हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं अप्लाइड जूलॉजी के एक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एपिकल्चर। एपिकल्चर अर्थात मधुमक्खी पालन। एपिकल्चर मधुमक्खी यानी हनी बी, यदि हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो हम क्या पाते हैं? तो हम इसके क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि इसका जो फाइलम होता है वो कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। और इसकी जो क्लास होती है, क्लास क्या होती है? इंसेक्टा होती है। इसका जीनस कौन सा होता है? एपिस होता है। और इसकी स्पीसीज जो है वो मुख्य रूप से कितनी है? चार। तो यहां पर नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि यहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की बात करेंगे जिनका जीनस क्या है? एपिस। तो चूंकि हनीबी का जीनस एपिस है, तो इसलिए हम इसके पालन को, इसके संवर्धन को क्या कहते हैं? एपिकल्चर। तो ये डेफिनेशन कई बार जीके के एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, एपिकल्चर किससे संबंधित है, एपिकल्चर किसे कहा जाता है, या मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो एपिकल्चर फाइलम से हमने बताया कि संघ इसका आर्थ्रोपोडा है। क्यों? जैसे कि आपने हनीबी को देखा होगा, इसके आपने उपांग को, अपेंडिक्स को देखा होगा कि यदि आप इसकी कोई लेग को हटाएं और उस लेग को देखें तो उसमें आपको जॉइंट मिलेंगे लेग में, इसकी में। तो इस तरीके से जॉइंट होते हैं, और जॉइंट जो भी एनिमल्स होते हैं उनको किस संघ में रखा जाता है? आर्थ्रोपोडा में रखा जाता है। इंसेक्ट है ये, इसलिए क्लास इंसेक्टा में रखा जाता है इसको। अब बात करते हैं स्पीसीज की। तो इसकी जो चार मुख्य स्पीसीज वो कौन कौन सी है? इसकी चार मुख्य स्पीसीज में एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्सेटा और एपिस फ्लोरी। एपिस तो एपिस तो यहाँ जीनस सभी में आ ही रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। स्पीसी डिफरेंट डिफरेंट हो गई, इंडिका हो गई, डॉर्सेट हो गई, फ्लोरी हो गई। इनमें इंडिका इंडिया में पाई जाती है तो इसलिए इसे इंडिका कह रहे हैं हम। एपिस मेलिफेरा यूरोपियन मधुमक्खी है, और इसकी सबसे खास बात जो है वो ये है कि इस मधुमक्खी का उपयोग ही एपिकल्चर के लिए किया जाता है, मधुमक्खी पालन के लिए किया जाता है। यदि कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन हो रहा है, यदि हम बाहर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि मधुमक्खी पालन के लिए बॉक्स आते हैं और जहाँ पर फूलों वाली वनस्पतियाँ होती हैं वहाँ पर उन बॉक्सों को रखकर लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, तो वहाँ पर जिस मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है मेलिफेरा होती है। ये शांत स्वभाव की मानव मित्र मधुमक्खी होती है, अतः इसका और उसका शहद भी उत्तम क्वालिटी का होता है, ज़्यादा होता है, अतः इसी का उपयोग मधुमक्खी पालन के लिए किया जाता है। तो आपको ये नोट करना है, आपको माइंड में रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि कौन सी मधुमक्खी की प्रजाति है जिसका उपयोग मधुमक्खी पालन के लिए एपिकल्चर किया जाता है, तो एपिस मेलिफेरा। एपिस डॉर्सेटा बड़े आकार की मधुमक्खी होती है, और इसके डंक से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, खतरनाक मधुमक्खी होती है। इसका शहद भी कोई यूजफुल नहीं होता खास। एपिस फ्लोरी ये छोटे आकार की मधुमक्खी होती है, ये भी कोई ज्यादा शहद नहीं बनाती, इसलिए हमारे ज्यादा काम की नहीं होती। तो ये मधुमक्खी की प्रजातियां हो गई। अब हम बात करते हैं मधुमक्खी के लाइफ साइकिल के बारे में। देखिए, मधुमक्खी एक सोशल इंसेक्ट है, सामाजिक प्राणी है। मधुमक्खी समाज से मतलब, सामाजिक प्राणी से मतलब उसका एक अपना समाज होता है। उस समाज में तीन प्रकार का विभाजन होता है। कैसे कैसे होता है वो लाइफ साइकिल, और इस लाइफ साइकिल में जैसा कि हमने बताया मधुमक्खी क्या है? एक सोशल इंसेक्ट।
इसमें एक तो होती है क्वीन, एक होते हैं ड्रॉन और एक होते हैं सोल्जर्स। सोल्जर्स कहें या इन्हें श्रमिक कहें, श्रमिक सर्वेंट्स। तो ये मधुमक्खी में एक विभाजन है। ये मधुमक्खी में जो छत्ते का साम्राज्य है उसकी साम्राज्ञी, उसकी रानी होती है। जैसे हम मानव में देखते हैं तो हमारा समाज मेल डोमिनेंट है, पुरुष प्रधान है, तो यहाँ पर पुरुषों के हाथ में सत्ता रहती है। लेकिन मधुमक्खी जो है ये महिला प्रधान है, फीमेल डोमिनेंट है। यहाँ पर रानी छत्ते की मालकिन होती है। रानी का साइज बड़ा होता है, रानी के पास डंक भी जो है वो कुछ ज़्यादा होते हैं, पावर ज़्यादा होती है रानी के पास। ये जो रानी है, क्वीन जो है, ये दो प्रकार के एग देती है। उनमें एक तो होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग और दूसरे होते हैं फर्टिलाइज्ड एग। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं क्वीन के, अनिषेचित अंडे होते हैं। इन अनिषेचित अंडों से मेल हनीबी, नर मधुमक्खियों की उत्पत्ति होती है। इन मेल हनीबी को ही हम क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं। और जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं इनसे कैसी हनीबी की उत्पत्ति होती है, फीमेल हनीबी की, फीमेल मधुमक्खियों की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान देना है आपको कि जैसे हमने हम मुर्गी में भी देखते हैं, मुर्गी भी दोनों ही प्रकार के अंडे देती है, अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग। लेकिन मुर्गी में क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं ना उनसे कोई संतति पैदा नहीं होती है, वहाँ फर्टिलाइज्ड एग से ही मुर्गियों के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनफर्टिलाइज्ड से भी संतति हो रही है जिसे हम कह रहे हैं मेल ड्रॉन, और फर्टिलाइज्ड से भी हो रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं, फीमेल कह रहे हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग से मधुमक्खी में नर की उत्पत्ति होती है ये किसका एग्जाम्पल होता है, ध्यान कीजिए आप, इसके वीडियो हम पहले एक देख चुके हैं। यस, ये एग्जाम्पल होता है पार्थेनोजेनेसिस का, अनिषेक जनन का। ओके, तो ये घटना क्या है, पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। यहां फर्टिलाइजेशन हो ही रहा है, फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल का निर्माण हो रहा है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि रानी मक्खी छत्ते से उड़ती है थोड़ा दूर, उसके पीछे कुछ नर उड़ते हैं, हवा में ही जो है ये एक शाही उड़ान होती है, हवा में ही इनमें स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और इस तरीके से एग जो है फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेल होते हैं उन्हें या तो भगा दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनकी और कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। मेल का बस यही काम है छत्ते में कि उसे मादा के जो एग है उनको फर्टिलाइज करना है, और कोई रोल नहीं है। अब फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल हनीबी की उत्पत्ति होती है। ये जो फीमेल हनीबी है, इन फीमेल हनीबी को शिशु अवस्था में ये जो रानी है ये एक रॉयल जेली नाम का एक पदार्थ खिलाती है, शाही भोज होता है रॉयल जेली, अपनी लार से टपका के इनके बीच में डालती है। वो रॉयल जेली जिन फीमेल के मुँह में चली जाती है, तो वो एक दो या चार पाँच के मुँह में जाती है, तो वो फीमेल तो चेंज हो जाती है क्वीन में, रानी में, उनकी साइज बड़ी हो जाती है। और जो फीमेल उस रॉयल जेली को ग्रहण नहीं कर पाती वो फीमेल इसमें चेंज हो जाती है श्रमिक, यानी सर्वेंट्स, वो सर्वेंट्स बन जाती है। अब रानी और इन सर्वेंट्स ये जो दोनों हैं ये क्या है, फीमेल है, मादा है। लेकिन अंतर क्या हुआ, अंतर ये हुआ कि जो सर्वेंट्स होते हैं ये बंद है, पांच मादाएं इनफर्टाइल, फर्टाइल नहीं है, ये अपनी संतति पैदा नहीं कर सकती, और रानी क्या कर सकती है, अपनी संतति पैदा कर सकती है। तो एक चमत्कारिक गुण है, चमत्कारिक लक्षण है रॉयल जेली का, कि उसके कारण जो रॉयल जेली ग्रहण कर लेता है वो फर्टाइल होती है और ये इनफर्टाइल होती है, इनमें संतति उत्पन्न करने का गुण नहीं होता है, जिसमें रानी उसके छत्ते की, उसके अंडों की देखभाल का कार्य करते हैं। तो अब रॉयल जेली मान लो चार या पांच शिशु मधुमक्खियों द्वारा, फीमेल मधुमक्खियों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, तो उनके बीच में क्या है, संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, और
उस लड़ाई में जो भी जीतता है वही छत्ते पर अपना आधिपत्य जमाता है। पुरानी रानी क्या करती है, अपने कुछ सोल्जर्स और कुछ नर को लेके नया छत्ता बना लेती है और उस छत्ते पर नई रानी का आधिपत्य हो जाता है। सर्वेंट्स जो है छत्ते की साफ सफाई का कार्य भी करते हैं, छत्ते के फॉर्मेशन का काम भी करते हैं। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उससे हमें क्या क्या पदार्थ प्राप्त होते हैं, उससे हमें मोम प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है, इसके अलावा मधुमक्खियों का जो डंक है वो भी औषधीय रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो ये हमारी बात थी एपिकल्चर के बारे में। इसके आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।